ओलंपिक खिलाड़ी तोहफे में मिलने वाला जदीद तरीन मोबाइल फोन ऑनलाइन बेचने लगे। कीमत नए मोबाइल से भी ज्यादा। पेरिस ओलंपिक्स के अख्तिताम के फौरन बाद ओलंपिक्स खिलाड़ियों ने एक दिलचस्प काम शुरू किया है। अपने तोहफे में मिलने वाले जदीद मोबाइल फोन्स को नीलामी पर रखा गया है। सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 6 जो कि मार्केट में तकरीबन $1,000 के करीब फरोख्त हो रहा है, अब नीलामी में $1,500 तक पहुँच चुका है। ये दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब नीलामी की लिस्टिंग लिस्बन शमाली आयरलैंड में की गई। मगर यहाँ एक मामला ये है कि अभी तक मालूम नहीं हो सका कि नीलामी में पेश किए गए फोन का मालिक कौन है। लिस्टिंग पर जेल लिंच का नाम दर्ज है और यही नाम आयरलैंड के हॉकी टीम के खिलाड़ी जोनाथन लिंच से मिलता है, मगर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया यही खिलाड़ी अपना फोन फरोख्त कर रहा है। मोबाइल फोन अब डब्बा पैक में नहीं है, यानी कि इसे खोला जा चुका है, लेकिन अब भी नया और गैर इस्तेमाल शुदा है। ये फोन अब तक नीलामी की दुनिया में एक सनसनी बन चुका है और खरीदार इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वो एक ऐसा फोन खरीद सकेंगे जो ओलंपिक खिलाड़ियों को तोहफे में मिला था।